हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले वंदन करता हूँ माँ शारदा के चरणों में। स्वागत है भैया। ज्ञान दायिनी बुद्धि वाहिनी नमो नमः माँ शारदे, श्वेत वस्त्र वीणा धारिणी नमो नमः माँ शारदे। वाह वाह। नमन करता हूँ अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने मुर्शिद के पावन चरणों में, उन्हें हाजिर नाजिर जानकर जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आभार प्रकट करता हूँ अपने अनुज दास आरोही का जो मुझे यहाँ तक लाए। मुझे सच मायने में कविता नहीं आती। ये पन्ने कागज के नहीं, सफेद दिल के हैं। लिखती है जो कलम इन पर वो जज्बे दिल के हैं। ना रुबाइयां हैं, ना चौपाइयां हैं, ना छंद ना बंद इनमें। कुछ दर्द जमाने के हैं, कुछ मौके वसल के हैं। क्या बात है। और आज के इस समारोह के लिए मैं सबसे पहले बधाई के पात्र हमारे बदावरी साहब, जिन्होंने इस हजूम को साथ लेके चले। अपने आप में एक बंदगी है, एक इबादत है। क्या बात। चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। साहब तवज्जो दीजिएगा। सबके साथ चलना और सबको साथ लेके चलना, यही खुदा की बंदगी है। कट तो जाती है तन्हा भी जिंदगी, पर वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है। वो हंसी वो दर्द बेमायने हैं अगर बांटने वाला कोई ना हो। क्या बात है। अगर बांटने वाला कोई ना हो। वो हंसी वो दर्द बेमायने हैं अगर बांटने वाला कोई ना हो। वो खताएं वो नादानियां बेनजीज हैं अगर डांटने वाला कोई ना हो। क्या बात है। वाह वाह वाह। किसी का बन जाना किसी को अपना बना लेना, किसी का बन जाना किसी को अपना बना लेना, ये हुनर जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। वाह क्या बात है। ये हुनर जिंदगी में आना बहुत जरूरी है, वरना उस घर को क्या नाम दोगे जहाँ इंतजार नहीं किसी को किसी का। क्या बात। और रहना एक मजबूरी है। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह। रहना एक मजबूरी है। क्या ये बंदगी, ये इबादत जो भसारी साहब कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। बेशक पहली बार इनसे मिलन हुआ पर वाकई इनके कायल हो गए हम। बहुत अच्छी बात। आपने शहादत की बातें बहुत सुनी, शहीदों की बातें सुनी, श्रृंगार रस भी सुना, व्यंग भी सुना, पर मैं बात करूंगा अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जज्बे दिल के हैं। यूं ही रहा चलते रेड लाइट पर, लाल बत्ती पर, चौराहे पर आपने छोटे बच्चे देखे होंगे भीख मांगते हुए। उनका जो दर्द बयान करने वाला हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। दाद बेशक मत दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। वक्त की गर्दिश में खोया बचपन। क्या बात है। वक्त की गर्दिश में खोया बचपन, बिखरी सी जुल्फें वो फटा सा पहरन। वक्त की गर्दिश में खोया बचपन, वो बिखरी सी जुल्फें वो फटा सा पहरन। नादान सी उम्र मासूम सा चेहरा। क्या बात। नादान सी उम्र मासूम सा चेहरा, बेबसी ने लगाया गुर्बत का पहरा। वाह। कातिल सी लगती है भूख पेट की, कातिल सी लगती है भूख पेट की, हर दूसरे पहर फिर खड़ी होती है हाथ में खंजर लिए। क्या बात। कातिल सी लगती है भूख पेट की, हर दूसरे पहर फिर खड़ी होती है हाथ में खंजर लिए, थमा देती है हाथ में कांसा और फिर चल पड़ते हैं गैरत को मारकर। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। इन सब का सामना रोज करता है वो बचपन जो रोज मरता है। वाह। अरे वाह। इन सब का सामना रोज करता है वो बचपन जो रोज मरता है, वो बचपन जो रोज मरता है, गुर्बत कर देती मजबूर है। गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती और हद से ज्यादा हर चीज खराब कर ही देती। गुर्बत कर देती मजबूर है वो लड़की जो घर की इज्जत है, वो लड़का जो आंख का नूर है। बेबस और लाचार हुए। क्या बात। बेबस और लाचार हुए, हैवानियत का शिकार हुए। चंद सिक्के भी जो कोई देता है, फटे पहरन में झांक लेता है। चंद सिक्के भी जो कोई देता है, फटे पहरन में झांक लेता है। निगाहें पढ़ लेती हैं मासूम निगाहें। क्या बात। बच्चे जरूर है पर अनजान नहीं है। निगाहें पढ़ लेती हैं मासूम निगाहें भी, कुछ आंखें ललचाई सी, कुछ बेहयाई सी, कुछ हंसी उड़ाती, कुछ तरस खाती,
कुछ आंखें ललचाई सी, कुछ नजरें बेहयाई सी, इन सब का सामना रोज करता है वो बचपन जो रोज मरता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे। अब देखिए जब उम्र बढ़ती है तो क्या हाल होता है उन बच्चों का। कल के बच्चे आज जवान हो गए, आंखों में खटकता समान हो गए। कदम रखा जब जवानी में, एक नया मोड़ आया कहानी में। क्या बात है, सिर्फ दो मिनट लूंगा रोहित जी आपसे। स्वागत है। कदम रखा जब जवानी में, एक नया मोड़ आया कहानी में, जब चंद सिक्के भी कोई नहीं देता। हाँ। अब चंद सिक्के भी कोई नहीं देता, वो दुआएं भी अब कोई नहीं लेता। बात तिजारत की करते हैं सभी, क्या दोगे क्या मिलेगा अभी। क्या बात, हर सिक्के का मोल चुकाना पड़ गया, बहुत महंगा दो वक्त का खाना पड़ गया। वाह 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 वाह, सबका सामना रोज करता है। क्या बात है, वो बचपन जो रोज मरता है। बहुत अच्छा। दो निवाले भी जाने क्या क्या करवा देते हैं, किसी को चौबारों की रौनक किसी को मुजरिम बना देते हैं। क्या बात है, वाह, किसी को चौबारों की रौनक किसी को मुजरिम बना देते हैं, इन सब का सामना रोज करता है वो बचपन जो रोज मरता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इन सब का सहरा बनता है इस समाज के ठेकेदारों पर, इन सब का सहरा बनता है समाज के ठेकेदारों पर, इस देश के हुक्मरानों पर, सत्ता के गलियारों पर। क्या बात है, जहाँ बातें ऊंची ऊंची हैं पर दर्द का एहसास नहीं, जहाँ परस्ती सिर्फ कर्जों की, जहाँ खुद के कोई पास नहीं। क्या बात, अपनी अंतर की आवाज तो सुनना छोड़ ही दिया ना लोगों ने, खुद के पास जाते तो खुदा के पास पहुंच जाते। खुद को जान लेते तो खुदा को जान लेते। पर खुदा किसको चाहिए। यहाँ सबको फिक्र है साखों की, अपनी इज्जत की, अपनी कुर्सी की, अपने रुतबे की। यहाँ सबको फिक्र है साखों की, गुस्ताख किसको चाहिए। इस दर्द का सामना रोज करता है। क्या तो बचपन जो रोज मर रोज मरता है वाह वाह बचपन जो रोज मरता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।